तो फ्रेंड्स आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, मनोज कुमार के नाम से सर्च कर लीजिएगा और आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं टैट और सी टैट से संबंधित, सी टैट यूपी टैट। तो फ्रेंड्स फॉलो करना मत भूलिएगा और फॉलो का बटन दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए तो आज की क्लास जो है हमारी, तो फ्रेंड्स आज की क्लास है हमारी सी टैट और टैट से संबंधित विज्ञान की क्लास। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने आज। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स जूनियर लेवल के लिए क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ओके फ्रेंड्स तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 39 से। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है अमावस्य में, ऑप्शन बी है छोटी आंत में, ऑप्शन सी है बड़ी आंत में एंड ऑप्शन डी है ग्रास नली में। तो कहाँ पर पाई जाती है भी लीवर कुहन? तो लीवर कुहन जो है ना ये पाई जाती है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 40। गोर्द गुहा किस में पाई जाती है? वृक्कों में, हड्डियों में, दांतों में या फिर इन सभी में, या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिएगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या दांतों में। ओके क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 41। जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं पेप्सिनोजन का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए है प्रधान कोशिकाएं, ऑप्शन बी है पैराइटल, ऑप्शन सी है ग्लोबलेट एंड ऑप्शन डी है एंटीरोएंड क्रोनाइन। तो यहां पर देख लीजिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए प्रधान कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर है 42। जठर ग्रंथियों कि कौन सी कोशिकाएं HCI का श्रावण करती हैं? प्रधान कोशिकाएं, पैराइटल कोशिकाएं और ऑप्शन सी है चूसक कोशिकाएं या ऑप्शन नंबर डी है एंटीरोएंडोक्राइन कोशिकाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी पैराइटल कोशिकाएं। ओके चलिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। रुधिर का थक्कर जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो देखिए अब बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये बहुत बार, तो हमें क्या करना है भाई स्टार्ट तो लगाना है और अभी से ही माइंड में बिठा लेना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है तो DEKA। तो कौन सा विटामिन आवश्यक है भाई? ये है के, विटामिन के। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विटामिन के का कार्य है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय का नियमन, श्वसन, कार्बोहाइड्रेट उपापचय या फिर ऑप्शन नंबर डी है रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन के यकृत में संश्लेषण का प्रेरक है ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना 44 का वही डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना अधिकतर चांसेस रहते हैं जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है वो 99% सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 45। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है गाजर, सेब, शहद या फिर मूंगफली। ओके तो यहां पर देखिए 45 का राइट आंसर भाई क्या होने वाला है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाजर। ओके फ्रेंड्स चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो, भाई क्या होता है देखिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने फटाफट से पढ़ लेंगे। अमाशय में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, ऑप्शन बी है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है, ऑप्शन सी है ग्रहणी में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन्स को पचाता है एंड ऑप्शन डी है अमाशय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को पचाता है। तो देखिएगा सारे भिन्न भिन्न हैं, तो देखिएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन्स को पचाता है, सॉरी ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को
तोड़ता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। पित्त का प्रमुख कार्य है पाचन के लिए वसा पायसीकरण, एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन, अपचार पदार्थों का बहिष्करण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाचन क्रियाओं का नियमन। तो देखिएगा 47 का फटाफट से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाचन के लिए वसा पायसीकरण। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। क्वेश्चन नंबर 48 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा है, लाजवाब। वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है अर्थात विखंडन एमिनो अम्लों में होता है, मुख गुहा, अमाशय, क्षुद्रांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मलाशय। तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षुद्रांत। क्वेश्चन नंबर है 49, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, एंजाइमों, वसी अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एनिमो अम्लों। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है ना हमारा आंसर चला जाएगा एनिमो अम्लों। क्वेश्चन नंबर है 50, एंटीरोइड क्रोइन कोशिकाएं होती हैं जठर ग्रंथियों में, आंत्रिय ग्रंथियों में, इन दोनों में, या फिर इलियम में। तो कहां पर होती हैं भाई, ये होती हैं। ओके, तो फटाफट से देखिएगा बिल्कुल सटीक आंसर जो हो जाएगा ना 50 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में, यानी कि जठर ग्रंथियों में और आत्रे ग्रंथियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, 17 वर्ष से कम आयु वाले एक किशोर मानव में सामान्यतः दंत सूत्र होता है 2120/2120, ऑप्शन बी है 2122/2122, एंड ऑप्शन सी है 2132/2132, एंड लास्ट में जाएगा 2232/2232। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है 52, वयस्क मानव के कौन से दांत शीर दंतों में नहीं होते, प्रीमोलर, कैनाइन, मोलर, या फिर एंजाइर। ओके, एंसाइजर। ठीक है, तो यहां पर 52 का राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी मोलर। अब देखिएगा आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए देखने को मिलेंगे, तो जो नए देखने को मिलेंगे उन्हें फटाफट से याद कर लीजिएगा। मनुष्य के अमाशय के अंतिम अर्थात दूरस्थ भाग को कहते हैं फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक, ये फिर ऑप्शन नंबर डी है अमाशय काय, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर 53 का ऑप्शन नंबर सी पाइलोरिक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 52, मानव के प्रत्येक जबड़े में कृदंत, रदनंक, प्रचर्म एवं चर्म की क्रम से संख्या है 1, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 4, 4, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी है 3, 6, 2, 4, 4, एंड ऑप्शन डी है 4, 2, 4, 6, 4, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भी ऑप्शन नंबर 54 का, सॉरी 54 का क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए 1, 4, 2, 4, 6। क्वेश्चन नंबर है 55, यदि यकृत निष्क्रिय हो जाए तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिया की, यूरिक अम्ल की, अमोनिया, या फिर प्रोटीन्स की। तो भाई किसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा 55 का बिल्कुल सही से ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, अमोनिया की जो है ना मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 56, 56, मानव जिह्वा में कड़वे स्वाद की कलिकाएं स्थित होती हैं छोर पर, पार्श्वों में, ऑप्शन सी है निचली सतहों में, एंड ऑप्शन डी है ऊपरी सतह के आधार भाग में। तो 56 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ऊपरी सतह के आधार भाग में। क्वेश्चन नंबर है 57, पैर पिंड किसका उत्पादन करते हैं? सिलेशम, लिम्फोसाइटस, ऑप्शन नंबर सी है एंटीरोकोइनेज एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्रिप्सिन, है ना। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइटस। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा सारे क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य, तो फ्रेंड्स आचार्य नहीं है, ये है आचीर। वाहिन्या अर्थात लैक्टिकलस का संबंध किससे होता है? दुग्ध श्रावण, लैक्टिक अम्ल का श्रावण, वसा का अवशोषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, वसा का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 59, भोजन निकलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना है? ग्रसनी, कंठ द्वार, घाटी डापन एंड ऑप्शन नंबर डी है निगल द्वार। तो 59 में देखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा सी घाटी डापन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड्स, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आहारी रेशे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आहारी रेशे। भाई आहारी रेशे कैसे बनते हैं? देखिएगा चार ऑप्शन आपके सामने है, पहले तो हमें पढ़ लेना है ठीक है, उसके बाद फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीनों से बनते हैं, रुक्सान से भी कहलाते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेल्यूलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी रुक्साक्स भी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सीधा सीधा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।